तो जैसा बाप प्लान बनाता है वैसा ही दुनिया में प्लान चलता रहता है। जैसे सन 76 से पहले शिवरात्रि की छुट्टी नहीं होती थी, होती थी क्या? नहीं होती थी। बाप ने बाप की प्रत्यक्षता का प्लान बनाया कि शिव बाप मनुष्य सृष्टि के बाप में सन 76 से प्रत्यक्ष होना है। तो इधर प्लान बना और उधर बाहर की गवर्नमेंट में शिव जयंती की छुट्टी शुरू हो गई। तो दुनिया का पलटने का मदार किसके ऊपर हो गया? जड़ों के ऊपर हो गया। आधार मूर्त आत्माओं के ऊपर मदार है या बीज रूप आत्माओं के ऊपर मदार है? बीज रूप आत्माओं के ऊपर मदार है। इसलिए ये बहुत ऊंची मिलिट्री है। क्या है? ऊंची मिलिट्री है। जैसे देश देश अंतर में मिलिट्री होती है तो कितनी अटेंटिव रहती है, अलर्ट रहती है। तो ऐसे ही ये रूहानी मिलिट्री, इसको बहुत अलर्ट होकर के रहना है। मिलिट्री में युद्ध के मैदान में कोई लड़ते लड़ते अगर पीछे मुख मोड़ लेता है या भागने लग पड़ता है तो उसको क्या किया जाता है? गोली मार दी जाती है, शूट कर दिया जाता है। मोस्टली ऐसा देखा जाता है। मिलिट्री में जो मुसलमान होते हैं उनको आगे फ्रंट में क्यों रखा जाता है? है? पीछे सिख बटालियन रखते हैं, गोरखा बटालियन रखते हैं, राजपूत बटालियन रखते हैं, उनको आगे क्यों कर देते हैं? पीछे आएंगे तो उनको बोले। क्योंकि अंदेशा है, हो सकता है ये मुख मोड़ जाए। और रूहानी मिलिट्री में सबसे ज्यादा विकारी कौन होते हैं? कौन से धर्म की आत्माएं होती हैं? इस्लाम धर्म की। वो माया से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, माया की प्रजा बनकर के रहे हैं जन्म जन्मांतर। माया भी धर्म पिताओं की प्रजा बनकर के रहते हैं, तो उनमें संस्कार है माया को संग देने के। इसलिए बाप सूर्यवंशी बच्चों को पहले आगे उठाते हैं। जो सूर्यवंशी है, जैसे सूर्य खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है, ऐसे सूर्यवंशी बच्चे भी अपने सुख शांति की परवाह नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हैं? खुद भले दुख और अशांति सहन कर लें, लेकिन दूसरों का कल्याण करने में लगे रहेंगे। उनको कहेंगे सारे विश्व को एक जैसा समान रूप में देखने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चे। ये मेरा देश वो तेरा देश ऐसे बुद्धि में रखने वाले नहीं होने चाहिए। ये मेरा सेंटर वो तेरा सेंटर, ये मेरी गीता पाठशाला वो तेरी गीता पाठशाला, अगर ऐसे है तो नंबर पीछे चला जाएगा। बाप कौन से बच्चों को पहले उठावेंगे? है जो हर हालत में हर तरीके से ज्ञान की दृष्टि से पास होने वाले बच्चे होंगे उनको पहले उठावेंगे। अगर चारों सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट में कमी होगी तो उनको पीछे धकेल दिया जाएगा। कितने जन्म का घाटा आवेगा? 63 जन्म का घाटा आवेगा, 21 जन्म का नहीं आवेगा। पहले तो इसी जन्म का घाटा आ जाएगा। क्या? इसी जन्म में देखेंगे कि दूसरे आगे बढ़ गए और हम पीछे रह गए। फिर 21 जन्मों का घाटा आवेगा।
और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बनता है, तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। 84 जन्मों का घाटा कोई कम बात नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, अभी खुला मैदान है, अब टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। क्या टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है? नहीं लगा। सन 76 में लगा कि नहीं? पहले है नंबर वन पोस्ट के लिए लग गया। हाँ, सन 76 में टू लेट का बोर्ड लग गया था। किसके लिए? पहला नंबर, जो पहला नंबर युगल है वो डिक्लेयर हो गया, तो वो टू लेट का बोर्ड हो गया। फिर पिछली सदी के अंत में तीसरा नंबर भी डिक्लेयर कर दिया, तीन सीट फिक्स हुई है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये त्रिमूर्ति फिक्स हो गई। लेकिन अभी जो सूर्यवंशी तबके के सबसे ऊंचे मणके हैं, वो सारे अभी फिक्स नहीं हुए हैं। अष्टदेव अभी सारे फिक्स नहीं हुए हैं। अष्टदेवों में से कहेंगे कि एक फिक्स हुआ, बाकी सात अभी भी टू लेट का बोर्ड लगना बाकी है। अभी पुरुषार्थ की दौड़ चल रही है। जब दौड़ होती है ना, तो ज्यादा चुस्त चालाक जो दौड़ने वाला होता है वो क्या करता है, पहले धीरे धीरे दौड़ता है और लास्ट में देश। हाँ, पहले अपनी ताकत को बरकरार करके रखता है, ऐसे ना हो जाए पहले ही थक जाए, धीरे धीरे दौड़ता है और बाद में सारी ताकत एड़ी चोटी की लगा देता है। जैसे दुनिया भी एग्जाम में भी बहुत से ऐसे होते हैं, सारा वर्ष कोई खास पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे और जब एग्जाम के दिन आएंगे तो क्या करेंगे, दिन रात एक करके सारी ताकत लगा देंगे। रात में 2 घंटे सोएंगे और 22 घंटे पढ़ाई पढ़ेंगे और नंबर ऊंचा ले लेते। तो हमारी तो रूहानी पढ़ाई है, है? रूहानी पढ़ाई में थकान ज्यादा होती है या जिस्मानी पढ़ाई में ज्यादा थकान होती है? जिस्मानी पढ़ाई में बहुत बोझ है। छोटे छोटे बच्चों को देखो, 2-3 कक्षा के कितना वजन डाल दिया जाता है पीठ के ऊपर। जितने वजन का बच्चा नहीं है उससे ज्यादा वजन की किताबें ढोता है। और यहाँ तो बाप कहते हैं कोई वजन नहीं, यहाँ पढ़ाने वाला बाप का वजन ही बिल्कुल नहीं है, बिंदी है। वो तुम्हारा सदगुरु है, इससे ऊंचा सच्चा गुरु और कोई दुनिया में मिलेगा नहीं। अगर ये हल्की से हल्की सहज से सहज पढ़ाई में भी पीछे नंबर रह गया, तो और जो पढ़ाइयां हैं उनमें आगे नंबर लेने से कोई फायदा नहीं। तो अभी रूहानी मिलिट्री का वॉरियर बनना है। अगर न बने हो तो अभी भी टू लेट का बोर्ड बाकी है। क्या पहले कौन सा ग्रुप प्रत्यक्ष होगा, पहले सूर्यवंशी ग्रुप प्रत्यक्ष होगा या चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशी आदि आदि? इसलिए बोला है एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो पहले कौन सा ग्रुप तैयार होगा, सूर्यवंशी ग्रुप तैयार होगा। तैयार होगा तो वो पहले अपने सारे संगठन को एक करेगा, सारा सूर्यवंशी संगठित हो करके। कहीं किसी राज्य के ऊपर हमला करना होता है ना, तो क्या करते हैं, घेराव बाद में डालते हैं, पहले सेना सजाते हैं।
क्या करते हैं, पहले सेना सजाई जाती है। तो रियानी मिलिट्री के वॉरियर्स से उनकी अभी सेना की तैयारी हो रही है, रेड अलर्ट किया जाता है। अभी वो वॉरियर्स नंबर वार मिलिट्री मून के तबके होते हैं या नहीं होते हैं? तबके जानते हैं? पोजीशन। कोई लेफ्टिनेंट होता है, कोई मेजर होता है, कोई कर्नल होता है, कैप्टन, कोई मार्शल होता है, कोई पैदल होता है, कोई घुड़सवार होता है। तो अभी रूहानी मिलिट्री के वॉरियर से तैयार हो रहे हैं। क्या ये वॉरियर्स में स्त्री पुरुष नहीं देखा जाता है, वो तो जिस्मानी मिलिट्री में देखा जाता है। पहले जिस्मानी मिलिट्री में पुरुषों को ही भर्ती किया जाता था, और अभी विदेशों में जास्ती फीमेल्स को भी भर्ती कर रहे हैं। ये प्रक्रिया कब से शुरू हुई? पहले नहीं होता था, अब होता है। अब क्यों होता, पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि अभी बाप आया हुआ है। बाप कन्याओं माताओं को आगे रखते हैं, क्योंकि वो मिलिट्री में तो जिस्मानी लड़ाई होती है। जिस्मानी लड़ाई में पुरुष ज्यादा बलवान होता है। जिस्म के आधार पर देखा जाए तो स्त्रियां ज्यादा बलवान होती हैं या पुरुष ज्यादा बलवान होते हैं? पुरुष जास्ती बलवान होता है। स्त्रियों में जिस्म की उतनी ताकत नहीं होती, लेकिन रूहानी बातें जहां तक देखी जाए, चाहे वो पढ़ाई ही क्यों न हो, लड़ाई की बात छोड़ दो, तो आज की पढ़ाई में कन्याएं माताएं तीखी जा रही हैं या भाई लोग ज्यादा तीखे जा रहे हैं? परसेंटेज पढ़ाई में किसका अच्छा रहता है? कन्याओं माताओं का अच्छा रहता है। क्यों अच्छा रहता है? प्योरिटी के आधार पर। हाँ, क्योंकि पढ़ाई होती है प्योरिटी में, ब्रह्मचर्य के अवस्था में अच्छी पढ़ाई होती है। फिर शादी वादी कर लेते हैं तो पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ भी रूहानी मिलिट्री है, रूहानी मिलिट्री की पढ़ाई में चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों ऊंचा पद ले सकते हैं। अलर्ट रहने की बात है। भाई लोग कहेंगे बाबा ने हमको पहले ही लकब दे दिया, तुम दुर्योधन दुशासन हो। लेकिन लकब तो दे दिया, लेकिन साथ साथ महिमा भी तो की है। क्या बोला है? आगे चल करके युगलों की बहुत महिमा निकलेगी। इससे क्या साबित हुआ है? अगर सहयोगी हैं दोनों एक दूसरे के, आपस में लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जैसे बाबा चलाना चाहता है वैसे ही चलते हैं, तो वो आगे जा सकते हैं। कुमार कहेंगे ये तो सत्यानाश हो गया, युगलों को तो आगे बढ़ा दिया, हमको पीछे कर दिया। नहीं, कुमारों के लिए तो खास बोला है जो किसी के लिए नहीं बोला। कुमारों के लिए बोला है, कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। क्या अगर दिल के अंदर ठान लें कि सारी दुनिया का विनाश करना है तो शंकर जी का पद पा सकते हैं। अगर ये ठान लें कि हमें निस्थापना करके ही छोड़नी है, स्थापना में हम बहुत अच्छा नंबर लावेंगे, तो वो भी बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी हालत में बाबा ने किसी को पीछे गिराया है,
यथार्थ बात बताई कि मनुष्य चोला ऐसा है, पुरुष चोले की ये सिफ्त है कि वो दुष्ट युद्ध है और दुष्ट शासन किए बगैर मानता नहीं है। अनेक जन्मों के संस्कार है, परसेंटेज भी होता है, ज्ञान को धारण करने के ऊपर है। जो जितना ज्ञान को धारण करता है उसके ऊपर अटेंशन देता है तो अपने को चेंज कर सकता है।